जगदूत न्यूज ब्यूरो मोहम्मद नबी आलम राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र जगदूत न्यूज। किन कारणों से विरोध मार्च निकाला गया? विरोध बढ़ते हुए बिहार में बेरोजगार को लेकर के हम लोग बेरोजगार एक संगठन बनाना मजबूर कर दिए हैं बिहार सरकार। इसीलिए हम जितने बिहार के बेरोजगार हैं, इस बेरोजगारी को लिए हम लोग बेरोजगार मार्च निकाले, जो कि ट्रैफिक चौक से हर हर महादेव चौक होते हुए मेन मार्केट होते हुए DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या नाम है? मुरारी कुमार सिंह, बेरोजगार को लेकर आप लोगों का प्रदर्शन था। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन DD कॉलेज में किया गया। पुतला दहन करने का मकसद ये है कि बेगूसराय जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा तो की गई, परंतु आज तक उसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। दूसरा, जो नियोजित शिक्षकें हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि उनको वेतनमान दिया जाए, और उनका जायज मांग है, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने लगातार नियोजित शिक्षकों के बारे में अपनी राय रखी है और पूरी स्पष्टता के साथ उनके साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों का मांग जायज है और उनकी मांगों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नीतीश कुमार को आगाह करवाने का काम किया है कि आप गहरी निंद्रा से उठिए और बेगूसराय के छात्रों के साथ जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, वो बेगूसराय और बिहार की जनता नहीं सहेगी। अगर आप इन तमाम मांगों को नहीं मांगते हैं तो आने वाले 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में आपका सुखड़ा साफ होना तय है, और संगठन इन सभी मांगों को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपका नाम? निशान सिंह है।